सेना पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला, कहा सेना का अपमान करना राहुल गांधी की आदत, माफी मांगे राहुल गांधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल का बयान बचकाना, देश और सेना से मांगे माफी। सेना पर राहुल के बयान पर बचाव में उतरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा अगर देश के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो राहुल गांधी ने ये कहा तो इसमें देशद्रोह की बात नहीं, राहुल गांधी के परिवार के दो लोगों ने देश सेवा में दिया बलिदान। तवांग में जहां चीन से हुई झड़प, वहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, वो जवानों के पराक्रम को किया सलाम, कहा वीर जवानों के चलते सुरक्षित है तवांग का यंगस्ट। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला, ट्वीट करके साधा निशाना, कहा राहुल गांधी सेना का अपमान तो कर। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ही रहे हैं साथ ही देश की छवि को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की सेना पर विवादित बयान को लेकर दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी का चरित्र जयचंद्र जैसा, हर बार सेना के शौर्य पर उठाते हैं सवाल, सेना पर हर भारतीय को है गर्व। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल ने फिर सेना की बहादुरी के सबूत मांगे, राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। राहुल गांधी के पिट रहे वाले बयान पर सियासी घमासान तेज, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा ये नेहरू का भारत नहीं, एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। असम के सीएम ने भी बोला हमला, कहा सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकते। सेना पर राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, कहा अरुणाचल में हमारे जवान पिट रहे हैं, सवाल क्यों नहीं। राहुल के बयान पर कांग्रेस बचाव में उतर गई है, अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि भारतीय सेना डेपसांग में पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, महापुरुषों के अपमान और सीमा विवाद पर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे और अजीत पवार भी शामिल। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन में शामिल हुए संजय राउत, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को लेकर बीजेपी का देशभर में प्रदर्शन, पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी नाराज, हर प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता, बिलावल का पुतला भी फूंका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी पर मुंबई में विरोध, बीजेपी ने जताया विरोध प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को लेकर बीजेपी का देशभर में प्रदर्शन, पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी नाराज, हर प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता, बिलावल का पुतला भी फूंका। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश में देश, एमपी, छत्तीसगढ़, पूरे देश में आज बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई, कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान के लिए भी एक नया निचला स्तर है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हताशा उनके अपने देश में आतंकवादी गुटों के मास्टरमाइंडों के खिलाफ होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को दी नसीहत, कहा बेहतर होगा कि अपने देश का आत्मनिरीक्षण करें, बिलावल को बेनजीर भुट्टो सहित हजारों पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के कारणों पर गौर करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बिलावल भुट्टो को मानसिक रूप से दिवालिया बताया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे शर्मनाक बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने की थी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी, बिलावल ने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई बताया था।
दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर किया था प्रदर्शन। चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। डोकलाम में चीन निर्माण भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी चिंता। देश में चीन पर चर्चा कब होगी। एलएसी पर चीन से सीमा विवाद के बीच युद्ध स्तर पर जारी है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का काम। सड़कों से लेकर टनल बनाने का काम जारी। एफआईसीसीआई के 95 सालाना सम्मेलन और एजीएम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा पीएम ने पंच प्रण यानी कि पांच संकल्पों की बात की थी। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी में स्नातक परेड का आयोजन। भारतीय वायुसेना ने की संयुक्त परेड। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना के संयुक्त स्नातक परेड के दौरान एयर शो सारंग हेलीकॉप्टर ने एयर शो के दौरान रोमांचक करतब दिखाया। हासीमारा एयरबेस पहुंचा 36वां रफाल फाइटर विमान। वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ स्वागत। 36वें रफाल के आते ही डील के मुताबिक अब सभी 36 रफाल फ्रांस से भारत आ चुके हैं। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।